हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को देखेंगे, समझेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से अध्ययन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, हालांकि इस पूरे चैप्टर में एक इमेजिनरी विलेज पालमपुर के बारे में चर्चा की गई है और इसके माध्यम से विलेज गाँव की क्या एक्टिविटी होती है, कैसे उनके ऑक्यूपेशनल व्यावसायिक कार्यकलाप होते हैं, कैसे उनकी जीविका चलती है, कौन से उनके पास ट्रांसपोर्ट के साधन हैं और क्या क्या घटनाक्रम होते हैं, वो मेन उनका एक्टिविटी क्या होती है। तो स्पेशली वहाँ एग्रीकल्चर ही होता है, उसमें क्या क्या वो लोग करते हैं, ये सब इस पूरे चैप्टर में उल्लेख किया गया है। एग्रीकल्चर के डिफरेंट टाइप्स बताए जाएंगे इसमें, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, ग्रीन रेवोल्यूशन, मार्केट एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटी, ये सब आप इसमें चर्चा होगी। तो हम यहाँ पे इस फ्लो चार्ट के माध्यम से एक स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का संगठन कैसे होता, क्या क्या चीजें चाहिए, वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो या सर्विस सेक्टर हो, सभी जगह इसकी जरूरत पड़ती है। तो एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर वांटेड बाय द पीपल। जो उत्पादन, उसका लक्ष्य क्या है, तो उसका लक्ष्य एक ही है, उन वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन करना जिसे लोगों की आवश्यकता है, जो चाहते हैं लोग। अब इस प्रोडक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट जरूरी है, तो स्पेशली हम लोग वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, सभी के लिए कॉमनली बात होगी। तो नंबर एक, लैंड, लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको, बिना इसके कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करना संभव नहीं है। नेक्स्ट है लेबर, श्रम चाहिए, पीपल हु वुड डू द वर्क, ऐसे लोग जरूरत पड़े जो काम करना करने के लिए जरूरत पड़ेगी लोगों की। इसके बाद कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, द वेराइटी ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, प्रत्येक उत्पादन की स्थिति पर, स्तर पर हमें कुछ पूंजी की जरूरत पड़ेगी। और ये पूंजी को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है फिक्स्ड कैपिटल, एक है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जिसमें टूल्स, मशीन, बिल्डिंग ये आ जाएंगे। वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, कच्चा माल और जो पैसे की जरूरत पड़ती है इसमें आता है। और अगला है नॉलेज एंड इंटरप्राइजेस, टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट। जो भी हम प्रोडक्शन काम करें उसमें नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, कौन सी मशीन लगानी है, क्या लगानी है, लेबर की जरूरत पड़ेगी, उसको कैसे हम जुडिशली विवेक को हम उपयोग कर सके और कम से कम इनपुट में मैक्सिमम हम रिजल्ट प्राप्त कर सके। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर के स्टार्टिंग का, इसमें और भी कॉन्सेप्ट आपके आपको आगे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।